हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुसुम, लेक्चरर बायोलॉजी। टुडे माय टॉपिक इज ऊ जेनेसिस, इन विच ऊ मींस एग आर ओबम एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। सो ऊ जेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग। ऊ जेनेसिस होता कब है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज को हम फीटस स्टेज भी बोलते हैं। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में जितने भी एग या ऊगोनिया बनने होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। जब बेबी यूट्रस में होता है तभी सारे ऊगोनिया बन जाते हैं, बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया नहीं बनते। ऊजेनेसिस कंप्लीट होती है मेनली थ्री फेजेस में, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड देन मैच्योरेशन फेज। अगर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें, जो ओवरी की वॉल होती है उसमें सेल्स होते हैं, कुछ सेल हैं स्मॉल होते हैं, कुछ सेल जो हैं वो लार्जर होते हैं। जो लार्जर सेल हैं बच्चे वो माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके तो वो बहुत सारे सेल बना देते हैं और उनको बोलते हैं ऊगोनिया, और इनकी प्लॉयडी होती है 2n, ये डिप्लॉयड होते हैं। अब नेक्स्ट ग्रोथ फेज, इसमें जो ऊगोनिया है वो ग्रो करके नरिशमेंट लेके जो सेल बनाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज की प्राइमरी ऊसाइट स्टार्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये प्राइमरी ऊसाइट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, बट वो अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते, वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज बन में, मतलब उनकी जो मियोसिस है वो प्रोफेज बन में ही रुक जाती है। बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में प्राइमरी ऊसाइट अरेस्ट हो जाते हैं, और प्रोफेज बन की भी अगर हम बात करें तो वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं। अब जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें जो ऊगोनिया है या एग है वो प्राइमरी ऊसाइट स्टेज में होते हैं। इस स्टेज में ही बेबी का बर्थ हो गया, उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आई, प्राइमरी ऊसाइट एज इट इज ही रहते हैं चाइल्डहुड में। फिर जब पवर्टी आती है, जब बच्चे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्राइमरी ऊसाइट फर्दर फिर अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। जब प्राइमरी ऊसाइट अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो ये दो सेल बनाता है जो अनइक्वल होते हैं साइज में। जो बड़ा सेल है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट और स्मॉलर सेल इज पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट स्टार्ट मियोसिस 2 बट अरेस्ट इन मेटाफेज 2। बच्चे, जैसे प्राइमरी ऊसाइट स्टार्ट कर देता है मियोटिक डिवीजन बट वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, वैसे ही सेकेंडरी ऊसाइट अपनी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है बट वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाता और वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 स्टेज में। अब इसी स्टेज में सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो ओबरी से रिलीज हो जाता है, उसको हम ओबम भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया पूछा गया है कि जब ओब्यूलेशन होती है जिसमें एग रिलीज होता है तो वो कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होता है सेकेंडरी ऊसाइट में। अब फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन हुई, इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन मियोसिस 2 इज कंप्लीट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो ओवम है इसके साथ स्पर्म आएगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। जब स्पर्म की एंट्री हुई इस ओबम में बच्चे, तब ये अपनी सेकंड मियोसिस कंप्लीट करता है। सेकंड मियोसिस से फर्दर 2 सेल बनेंगे, एक सेल लार्ज होगा साइज में, दूसरा स्मॉलर सेल को पोलर बॉडी और लार्जर सेल है वो एग है। अब ये एग इस स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, जायगोट, और यही जायगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होएगा। थैंक यू।